आज हम याहू के राइज और फॉल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक टाइम था जब याहू का 100 बिलियन का एम्पायर था, लेकिन अब याहू को बस अपने पहले बनाए नाम की वजह से ही जाना जाता है। वेराइजन, जो कि अमेरिका की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, अब याहू को 4.8 बिलियन डॉलर्स में खरीद चुकी है। याहू एक टाइम पर एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी। ये सब आपको एंड तक पता लग जाएगा। अब हम जानते हैं कि याहू की शुरुआत कैसे हुई। yahoo.com की खोज 1994 में दो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स ने की थी, जिनके नाम जेरी यांग और डेविड फिलो है। उस समय याहू बस एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का भंडार था, और अगर आपको कोई चीज ब्राउज करनी है तो उसके बहुत कम मीनिंगफुल तरीके थे। कंपनी को 1996 में पब्लिक कर दिया गया था, और 1997 तक उनको इंटरनेट के फील्ड में सेकंड रैंक भी दे दी गई थी। 1998 में याहू को दो स्टैनफोर्ड पीएचडी स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, जिनके नाम लैरी पेज और सर्जी ब्रेन है। इन दोनों ने मिलकर एक पेज रैंक नाम का सर्च इंजन एल्गोरिथम बनाया, जिसके यूज से आप इंटरनेट पर कुछ भी रेलेवेंट सर्च कर सकते हैं। दोनों स्टूडेंट याहू को एल्गोरिथम बेचने के 1 मिलियन डॉलर्स मांग रहे थे, लेकिन याहू ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये यूजर्स को उनकी मेन वेबसाइट से दूर ले जाएगा, जिससे ट्रैफिक और एड रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो पेज रैंक एल्गोरिथम आगे जाकर गूगल बन जाएगा। 1990s में इंटरनेट को एक मैजिक की तरह माना जाता था, एक ऐसी चीज जो कि पूरे प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये चीज थोड़ी ओवरहाइप्ड हो गई थी, क्योंकि उस समय की मेंटालिटी ऐसी थी कि लोग हर उस कंपनी में आग बंद करके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे जिसके नाम के आगे .com लगा होता था। भले ही उस कंपनी का प्लान पैसे कमाना नहीं होता था, उस समय की प्रॉब्लम ये थी कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और कोई भी ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अपने प्रॉमिसेस पर खड़ा नहीं उतर पा रहा था, जिसकी वजह से 2000 में इन्वेस्टर्स कई पोंजी स्कीम्स की वजह से फंस गए, और इस सब का अंत हो गया क्योंकि पैनिक में ज्यादातर टेक स्टॉक्स बिक गए। सारी टेक कंपनीज का काफी नुकसान हुआ, पर याहू, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज इस तूफान से बच गई। याहू बच तो गई, लेकिन उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके स्टॉक प्राइस गिर के $4.50 तक पहुँच गए। इस सब के बाद भी 2002 में याहू सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली साइट थी, लेकिन सर्च के मामले में वो गूगल से बहुत पीछे हो गए थे। 2005 में याहू ने अलीबाबा नाम की कंपनी के 40% शेयर खरीद लिए, और आज की डेट में याहू की टोटल कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। 2017 में याहू ने फ्लिकअप नाम की फोटो शेयरिंग साइट को भी खरीद लिया। इसके बाद याहू ने 22 साल के मार्क जुकरबर्ग से फेसबुक खरीदने की डील की, जिसमें $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदना चाहते थे, लेकिन जुकरबर्ग ने साफ इनकार कर दिया। सोर्सेस के हिसाब से अगर डील $1.1 बिलियन की होती तो फेसबुक का बोर्ड जुकरबर्ग को डील के लिए फोर्स कर देता, और ये दुनिया भी बहुत अलग होती। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने $44 बिलियन में याहू को खरीदने की डील रखी, लेकिन उस समय याहू ने उनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनके लिए हाईएस्ट ऑफर होने वाला है। धीरे धीरे याहू जब अपने डिक्लाइन पे था, तब मेरिसा मेयर ने याहू को ज्वाइन किया, जो कि गूगल की एग्जीक्यूटिव भी रह चुकी थी। तब याहू ने मोबाइल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद उन्होंने टम्बलर भी खरीद लिया, लेकिन इन सब से उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, और 2016 में कंपनी को $4.4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। 2016 के एंड में वेराइजन ने याहू को $4.8 बिलियन में खरीद लिया। जो अमाउंट माइक्रोसॉफ्ट पे करने वाली थी, ये बस उसका 1% था। अपनी पूरी लाइफ में याहू ने 114 कंपनीज खरीदी, और उनमें से कोई भी हिट नहीं हुई जो कि याहू को बचा सके। अब हम थोड़ा डीप में जाकर ये समझते हैं कि सब कहां से गलत होना शुरू हुआ। ये जानने के लिए हमें वापस से .com क्रैश के टाइम में जाना होगा। उस क्रैश के समय वेब पोर्टल यूजलेस होने लगे, क्योंकि वेब यूजर्स अपनी जरूरत के लिए गूगल पर सर्च करते थे, और उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता था। इसके बाद याहू धीरे धीरे पिछड़ने लगा, और गूगल हर जगह छाने लगा। लोगों को याहू से बेटर ऑप्शन मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, याहू की मेल सर्विस को जीमेल और हॉटमेल ने ओवरटेक कर लिया। याहू मैसेंजर को आगे जाके माइस्पेस, ऑरकुट, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीजों ने रिप्लेस कर दिया। वेब पोर्टल साइट्स की जगह लोग न्यूज के लिए सोशल मीडिया पे जाने लगे, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब। 2010 तक याहू को हर एंगल से ओवरटेक कर लिया गया था। जैसे जैसे यूजर्स याहू से दूर होने लगे, वैसे वैसे उनका एड रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिरने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इसी वजह से कंपनी ने 6 साल में 4 CEO बदल दिए थे।
और इस टाइम पे कंपनी को बहुत ही सॉलिड लीडरशिप की जरूरत थी। इन्वेस्टर्स भी बहुत खफा हो रहे थे और वो अलग अलग चेंजेस करने को बोल रहे थे, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी भी काफी बढ़ गई थी। याहू एक डूबती हुई शिप की तरह हो गई थी, जिसके सारे कैप्टन उसे छोड़ के अपनी लाइफ बोट में बैठ के भाग गए थे। आखिर में याहू की स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे फोकस की कमी, बदलाव ना ला पाना और एक अच्छे लीडर का ना होना कैसे कंपनी के फॉल को इन्वाइट करता है।